हेलो व्यूअर्स, मैं संजय शर्मा आपका वेलकम करता हूं हमारे ऑल न्यू वीडियो में, जो कि है रोकू प्रिंट्स ब्रांड के DTA प्रिंटर की इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में। सो आप लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पांस देख के हम लोग लेके आए हैं ये वीडियो, जिसमें आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं हम कैसे आप इंस्टॉलेशन करते हैं आपके प्रिंटर का। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप कंप्लीटली जान पाएं एक एक स्टेप फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस ऑल न्यू रोकू प्रिंट्स DTA प्रिंटर। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करके आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था इंट्रोडक्शन में कि आपको दिखाने वाले हैं हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सो जिस बेहतरीन मशीन के बारे में आपसे मैं बात कर रहा था वो है ये ऑल न्यू रोकू प्रिंट्स ब्रांड की DTA प्रिंटर, जो आपको आता है XP 600 हेड के साथ और रोल फीडिंग के साथ, जिसके साथ आपको मिलती है 6 मंथ्स की कंपनी वारंटी, वो कि आपकी मदरबोर्ड की, पावर सप्लाई की एंड आपके सर्कुलेशन सिस्टम की। हेड की और केबल की वारंटी नहीं आती है, बट हाँ, वी विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू इन एवरी वे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते आपको दिखाता हूँ कैसे इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। सो मेरे साथ आपको स्क्रीन दिखेंगे राजीव जी, जो आपको पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं। सो जब आपको प्रिंटर मिलता है तो आपको प्रिंटर मिलेगा इस तरीके से, पैलेट बॉक्स के अंदर, ठीक है। सो पैलेट बॉक्स के अंदर आपको जो प्रिंटर के बॉक्स के अंदर चीज़ें मिलती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलता है ये प्रिंटर, ठीक है, जो हमने रिसेंटली लॉन्च करा है ब्लैक कलर के अंदर, बिकॉज कस्टमर्स की डिमांड आ रही है सर ब्लैक कलर के अंदर आप लॉन्च करिए, बिकॉज पुराने प्रिंटर में इंक के दाग वगैरह लगने से थोड़ा वो गंदा हो जाता है, तो इसलिए हमने न्यू कलर लॉन्च किया है इसके अंदर। सो मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिकेशन इसकी बता देता हूँ। ये प्रिंटर आता है XP 600 हेड के साथ, जो कि एक कमर्शियल प्रिंटर का हेड होता है, ठीक है। उसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो एक रेगुलर DTA प्रिंटर जो आपको मिलेंगे मार्केट में मॉडिफाइड प्रिंटर्स, उससे डबल से भी ज़्यादा होती है। ये आपका एक A3 प्रिंट निकाल देगा अंडर 4.5 से 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आपको मिलते हैं ये टैंक्स जो होते हैं 250 ml के, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सो जैसे अब आपको ये प्रिंटर मिलेगा, प्रिंटर आपको इस तरीके से पूरा पैक होके मिलेगा। सबसे पहले आपको दिखाता हूं क्या क्या एक्सेसरीज आपको साथ में मिलने वाली है। सो आपको मिलने वाला है इस तरीके का एक स्टैंड, ठीक है। ये स्टैंड को हम लोग क्या करते हैं, ये पीछे प्रिंटर के लगाते हैं, जिसके ऊपर रोल की फीडिंग होती है। सो जो जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ, साथ साथ आपसे बात करता रहूँगा क्या क्या हमें करना है। सो सबसे पहले राजीव जी, हम इसमें क्या करते हैं बताइए, रोल फीडिंग करेंगे पहले, ठीक है। तो हम लोग पहले इसके अंदर रोल लगाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टैंड को पीछे इंस्टॉल करेंगे। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं बैक साइड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देखेंगे, आपको यहाँ पे ये स्क्रूज लगे हुए मिलते हैं, ठीक है। आपको ये स्क्रूज अनस्क्रू करने हैं और यहाँ पे जो आपको स्टैंड दिया गया है उसको आपको फिट करना है। सो ये आप एक चीज देखेंगे कि रेगुलर प्रिंटर से ये थोड़ा अलग है, बिकॉज आपके जो रेगुलर DTA प्रिंटर्स आपने मार्केट में देखे होंगे, उनके रोल हमेशा थोड़े ऊपर साइड में होते हैं प्रिंटर के, और हम इसको एकदम पैरेलल लेके जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं, इससे क्या होता है आपकी टाइम थोड़ा कम लगता है। ये हमें जो लाइक दिस इज आवर ओन एक्सपेरिमेंट ऑन द DTA प्रिंटर, एंड वी रेकमेंड कि ये पैरेलली जाता है तो आपकी फास्ट फीडिंग होती है, ठीक है। अगर आपको शीट भी लगानी हो कल को तो आप इजीली शीट फीडिंग करके चेक भी कर सकते हैं। सो ये आप देखेंगे, ये हमें यहाँ पे इनको स्क्रू टाइट करके अपने जो स्टैंड है इसको इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले आपको करना है ये स्टैंड का इंस्टॉलेशन। ये आपको साथ में ये एक स्टैंड मिलता है जिसके अंदर हम रोल को सेट करते हैं। इसके अंदर आपको जो रोल लगता है वो 12 इंचेस का रोल लगता है, जिसके ऊपर आप एनी लेंथ प्रिंट कर सकते हैं। वो करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर में कुछ कमांड्स करने पड़ते हैं, वो भी हम आपको अगली वीडियोस में, जो आने वाली वीडियोज हैं उसमें आप बताते रहेंगे क्या क्या आप कर सकते हैं। सो इस तरीके का स्टैंड मिलेगा, इसके अंदर हम रोल लगाते हैं। वंस ये स्टैंड की इंस्टॉलेशन हो जाए, हम लोग इसके ऊपर रोल को फिट करके वहां पे सेट कर लेंगे। मोर ओवर ये DTA प्रिंटर आपका लेटेस्ट वर्जन है, 2024 वर्जन है, इसके अंदर कुछ भी आपको इश्यूज वगैरह जो रेगुलर DTA प्रिंटर जो मार्केट में चल रहे थे मॉडिफाइड, उन सब का सोल्यूशन हम लेके आए हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद दिस DTA प्रिंटर इज कि हम लोग कमर्शियल प्रिंटर से सस्ते प्रिंटर लॉन्च कर रहे हैं और मॉडिफाइड प्रिंटर से बहुत ही बेहतरीन प्रिंटर्स लॉन्च कर रहे हैं। सो ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है DTA प्रिंटर की अंडर अ लो बजट, वो सॉल्व हो जाए। सो हाँ, ये देख सकते हैं हमारा स्टैंड ऐसे इंस्टॉल हो गया है। तो ये आपको यहाँ पे 5 स्क्रू मिलते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, इन सबको आप अनस्क्रू करके यहाँ पे अपने स्टैंड को स्क्रू कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना रिजिड ये हो गया है। तो ये आपका स्टैंड अब इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने रोल को इंस्टॉल करेंगे। अब रोल इंस्टॉल करने के लिए
आपको ऐसा एक स्टैंड मिलता है, ठीक है, और साथ में आपको दो ऐसे व्हील्स मिलते हैं जिनके ऊपर आपका रोल चलता है, जैसे घूमता है, अगर आप प्रिंट करेंगे आगे प्रिंट जाता है तो ये ऐसे घूमता है। सो इसको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे आप देख सकते हैं। सो ये आप इसको यहाँ से अनस्क्रू कर लेंगे, अनस्क्रू करने के बाद इसको आप साइड में इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे। सो कंप्लीट आपको हम लोग गाइड करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने प्रिंटर को आप इंस्टॉल करेंगे। सो हमेशा ध्यान रखेंगे जो इसका पतला वाला साइड है, ये आप देख सकते हैं जो पतला वाला साइड है ऊपर जाके नैरो हो रहा है, वो आपके रोल के अंदर जाएगा ताकि एक ग्रिप बने टाइट और जब इसका मूवमेंट हो तो ये उस मूवमेंट को फॉलो करे। ये पतला वाला साइड हम इनको साइड में डाल देंगे, उसके बाद इसको टाइटली प्रेस कर लेंगे ताकि कहीं लूज एंड्स ना रहें, और जो ये हैं ग्रिप्स इसको हम टाइटली एडजस्ट कर देंगे ताकि वाइल प्रिंटिंग आपकी जब ये मूवमेंट होती है प्रिंटर पे ये अपनी पोजीशन से हिले नहीं और इसकी एकदम राइट पोजीशन रहे ताकि आपके प्रिंट की अलाइनमेंट खराब ना हो, आपका प्रिंट खराब ना हो और आपकी रोल की स्टेबिलिटी बनी रहे पूरे टाइम। सो इस तरीके से आप इन दोनों को इंस्टॉल कर लेंगे और अपने रोल को एक बार जब ये टाइटली इंस्टॉल हो जाए हम लोग रख देंगे अपने स्टैंड के ऊपर। जी हाँ, रोल इंस्टॉल करते टाइम आपने ध्यान देना है, अगर तो है आपके पास सिंगल साइड मैट पेपर तो उसका जो आपका सिंगल साइड मैट पेपर होता है जो उसका मैटी साइड होता है वो आपको ऊपर रखना है, ग्लॉसी साइड को नीचे रखना है, बिकॉज जो प्रिंटिंग होती है वो हमेशा मैटी साइड में होती है और पेपर आपका ऐसे जाएगा। रोल आपको इंस्टॉल करना है तो उसकी जो एग्जिट हो रहा है जैसे आप देख रहे हो ये बाहर निकल रहा है तो ये नीचे की साइड से जाएगा और ऐसे इंस्टॉल होगा, ठीक है जी। अगर आपका है डबल साइड मैट तो आप किसी साइड से भी इसको एंटर कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपका रोल की इंस्टॉलेशन हो रही है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। अगर आप ऐसे देखेंगे समझेंगे, मैं साइड से आपको समझाता हूँ। सो जो आपकी रोल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम के प्रिंटर के अंदर जाएगा, ऐसे इस तरीके से घूम के प्रिंटर के अंदर जाएगा। तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है इंस्टॉलेशन करते वक्त। सो अब इसको हम लोग क्या करेंगे अपने प्रिंटर के अंदर फीड करेंगे, ठीक है। साथ में आपको मैं दिखा देता हूँ और क्या क्या चीज़ें आपको प्रिंटर के साथ मिलती हैं। सो आप जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया भी है कि ये एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रिंटर है, सो उस प्रिंटर के साथ आपको प्रीमियम क्वालिटी की एक्सेसरीज भी मिलती हैं। सो जी हाँ, फर्स्ट थिंग जो आपको मिलता है इसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ऐसे बॉक्स में आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होगा, ये आप देख सकते हैं। इसको अगर हम खोलेंगे तो आप देख सकते हैं इसके साथ आपको मिलता है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की पूरी पेन ड्राइव, ठीक है। स्टेप्स हाउ इसको इंस्टॉल करना है वो हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे कैसे आपको इंस्टॉलेशन करनी है। ये आपको मिलती है की, आपको हर सॉफ्टवेयर की हर एक पीसी के साथ एक की चाहिए होती है तो ये आपको इनिशियल एक की मिलती है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके की आपको की मिलेगी तो जब भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे, जब भी आप प्रिंटिंग करेंगे तो आपको पीसी के साथ ही अटैच करके रखनी है सॉफ्टवेयर आपको, तभी वर्क करेगा। उसके बाद आपको साथ में चाहिए होता है सॉफ्टवेयर, तो आपको ये सॉफ्टवेयर मिलता है ऐसी मेटल फिनिश की पेन ड्राइव के अंदर, आप देख सकते हैं ये आपका हॉजन सॉफ्ट का सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है जी। हॉजन सॉफ्ट का जो आपका सॉफ्टवेयर आता है उसके अंदर आपको मिलता है, क्योंकि बोर्ड हमारा हॉजन सॉफ्ट का ही होता है, ठीक है। एक बार आप देखेंगे इस तरीके से आपको ये सब कुछ मिलता है। सो जैसे मैंने आपको बताया ये एक प्रीमियम प्रिंटर है, प्रीमियम क्वालिटी है, तो सब कुछ हम लोग टॉप नॉच ही आपको देंगे इसके साथ ताकि आपको कोई ऐसी इश्यूज ना हो। सो ये हो गया आपके सॉफ्टवेयर का। उसके बाद जो आपको और चीज़ें मिलती हैं, ये आपको मिलता है एक एग्जिट ट्रे, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, आपका पेपर जब एग्जिट करता है तो वो नीचे की तरफ फॉल करता है, फॉल करने के लिए आपका क्या होता है प्रिंट जब भी निकलेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा और आप उसको एग्जिट कर लेंगे। सो अभी मैं जैसे आपको बता रहा था ये आपको एग्जिट ट्रे लगानी होती है, इसकी फिटिंग आपको करनी होती है फ्रंट में। सो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो से चार होल्स मिलेंगे, एक बार दोबारा दिखाता हूँ निकाल के, ये देखिए चार होल्स हैं यहाँ पे, ये आपके चार होल्स हैं इधर और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो इन चारों होल्स में आपको ये टीथ को फिट करना है। सो सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली इंस्टॉलेशन हो जाती है, तो आप ऐसे इंस्टॉल करेंगे, ये आपका क्रॉक होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन है। तो अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक प्रिंटर नहीं ले रहे हैं, आप मैन्युअली क्योरिंग कर ले जाते हैं, तो ये गाइडिंग लाइन है कि जहाँ से आप अपनी शीट को कट कर सकते हैं। सो आप एक नॉर्मल ब्लेड के थ्रू भी इसको कट कर सकते हैं इस गाइडिंग लाइन के थ्रू, ठीक है। साथ में आपको जो प्रिंटर के एक्सेसरीज मिलती है, जैसे आपको मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि एक प्रीमियम प्रिंटर आपको एक्सेसरीज भी मिलेंगी, तो ये सारी आपकी एक्सेसरीज होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है आपका कैप,
ये जो कैपिंग होती है, जैसी जहां से आपकी वेस्टेज इंक निकलती है प्रिंटर के अंदर, हेड के नीचे कैपिंग स्टेशन होता है, वो कैप होती है, वो आपको एक एक्स्ट्रा मिलती है जो कि आप अपने हेड के नीचे इंस्टॉल करते हैं, जहां से आपका हेड जो है इन दोनों पाइप के थ्रू आपकी वेस्टेज इंक फेंकता है हर एक प्रिंटिंग कमांड के साथ। तो ये दोनों पाइप आपके नीचे लगेंगे जो वेस्टेज टैंक के होते हैं, ऑलरेडी एक इंस्टॉल्ड आता है, हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं। उसके बाद साथ में आपको मिलते हैं ये क्लीनिंग स्वाब्स। तो जो आपकी जब हेड लगता है, जब वाइपर होता है, उसके आगे अगर इंक सेटल होती रहती है या गंदगी हो जाती है, तो वहाँ पे अगर आपको क्लीनिंग करनी है तो उस क्लीनिंग के लिए ये स्वाब्स मिलते हैं। स्पॉन्ज है और ये एक थोड़ा लेंथी, थोड़ा लेंथ वाला स्वाब होता है, ताकि आप नीचे तक ईजिली पहुँच पाएँ और आप थोड़ी क्लोज जगहों पर भी ईजिली क्लीनिंग कर लें। उसके बाद आपको मिलता है ये एक फिल्टर। इस फिल्टर का काम क्या होता है, जब आपकी इंक सर्कुलेशन हो रही है, सो अगर इन मीन वाइल जब आपका इंक मूव कर रही है हेड से टैंक, टैंक से हेड के बीच में अगर कोई क्लॉगिंग हो रही है, तो उस क्लॉग को ब्रेक करके आगे भेजे, ताकि आपके इंक फिल्टर होकर बाहर जाए और आपके हेड के ऊपर क्लॉगिंग वो ना पहुंचे, या आपका सर्कुलेशन पंप के अंदर वो क्लॉग ना हो। उसके बाद आपको मिलते हैं ऐसी सिरिंज, जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं, या आपको अगर इंस्टॉलेशन करते टाइम आपके बाय चांस इंक नहीं आ रही है हेड के अंदर, तो आप इस सिरिंज के थ्रू उसको खींच सकते हैं, और ताकि वो प्रेशर से, वैक्यूम से उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगी और इंक आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। जो प्रोसेस है हम आपको करके दिखा ही रहे हैं। मीनवाइल अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमें फॉलो जरूर करते रहिएगा ताकि आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहें। सो साथ में आप देखेंगे ये दो वायर्स आती हैं, ये आपकी यूएसबी केबल है जो आपके लैपटॉप से कनेक्ट होगी, आपके पीसी से कनेक्ट होगी, जिसके थ्रू आप सारी कमांड देते हैं, और ये आती है इसकी पावर केबल। ये इस तरीके की आपको पावर केबल मिल जाएगी साथ में। और लास्टली आपको ये मिलने वाले हैं ये इस तरीके से दो क्लॉथ, ये भी आपके क्लीनिंग के लिए हैं, अगर आपकी कोई गंदगी होती है तो हम लोग जी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और ये जो वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स है, आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा डैम्पर्स। जी हाँ, कभी कभार क्या होता है डैम्पर्स में आपकी दिक्कत आ जाती है हेड क्लॉगिंग की वजह से, या कोई इंक की वजह से इंक प्रेशर प्रॉपर नहीं आ रहा है, डैम्पर्स में कोई गैप है या कुछ है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ डैम्पर्स भी मिलता है। और ये आपके सेंसर हैं, ये आपके सेंसर कैच करने के लिए होते हैं आपके पेट फिल्म को, उसके लिए आपको ये सेंसर मिलते हैं। तो ये सारी एक्सेसरीज आपको हमारे से एक्स्ट्रा प्रोवाइड होती है। सो जैसे कि हम आपको बता रहे थे, ये एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रिंटर है, इसके साथ आपको सारी एक्सेसरीज प्रोवाइड होती है, जो आपको मार्केट में मॉडिफाइड प्रिंटर्स के अंदर तो कभी नहीं देखने को मिलेंगी, और कमर्शियल प्रिंटर जाएंगे तो वो आपसे बहुत ही अच्छे खासे पैसे ले लेंगे। सो हाँ, मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या इसके साथ आता है। अब चलते हैं आगे इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की तरफ। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं थोड़ा इनसाइड व्यू ऑफ दिस प्रिंटर, जो कि हमें कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि ये है आपका व्हाइट इंक का टैंक, ठीक है। जो बाहर टैंक है वो CMYK है और वेस्टेज टैंक है, तो हमारे प्रिंटर के अंदर आपको व्हाइट इंक जो टैंक होता है वो अंदर होता है, ताकि आपका मॉइस्चर वगैरह हीटिंग वगैरह से थोड़ा अलग रहे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये है इसका पंप इंक सर्कुलेशन का, जो कि आपके प्रिंटर से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, हेड से टैंक के अंदर, टैंक से हेड के अंदर, और साथ में आता है ये इंक का फिल्टर जो मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो ये पंप आपका वारंटी के अंदर कवर होता है। यहाँ पे जो आप स्पेस देख रहे हैं, इसके नीचे होती है आपका मदरबोर्ड, जो मेन बोर्ड होता है, और पावर सप्लाई, जहाँ से आपका करंट जाता है प्रिंटर के अंदर, और आप वो सब बोर्ड्स को, सारे कंपोनेंट्स को रन करते हैं। ये आप देखेंगे, ये इसके अंदर आपकी हेड की केबल होती है यहाँ पे, और आपके इनिशियल जो आपके पाइप्स होते हैं, जो आपके नोजल से जाके डैम्पर के ऊपर कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। ये है आपका स्टेशन हेड का, यहाँ पे ही लगा हुआ है वो XP600 हेड, जो इसको इतना प्रीमियम बनाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम सारे टैंक्स के अंदर इंक डालेंगे, और सबसे पहले जो आपको बेशक सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी आप इंस्टॉलेशन करें, हम लोग जब आपको प्रिंटर भेजेंगे, तो आपको मैं पास से दिखाता हूँ, जब हम आपको प्रिंटर भेजेंगे तो हम मेक श्योर करते हैं कि आपका हेड लॉक रहे, ताकि इन लॉजिस्टिक आपका हेड मूव ना करे और आपको ऐसी कोई दिक्कत ना हो हेड की डैमेज की। तो जब भी हम इंस्टॉलेशन करें, सबसे पहले आप अपने हेड का लॉक खोल लें। तो लॉक कैसे खोलेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। आपको दो स्क्रू हैं यहाँ पे, ये दो स्क्रू को आपको अनस्क्रू कर लेना है इस तरीके से, और इसको आपके हेड लॉक को साइड कर लेना है। कभी आपको कल को इसको मूव करना हो आपका प्रिंटर को, तो आप इसको रीलॉक करके आगे लेके जा सकते हैं। तो ये दो स्क्रू आपको खोल लेने हैं और इसको आगे आपको लेके जाना है अपने इंस्टॉलेशन के लिए। ये देखिए, ये आपका हेड लॉक का सिस्टम होता है, ये आपके खोल के आप इसको संभाल कर रख सकते हैं। कभी आपको प्रिंटर को मूव करना होगा तो आप अपने ये हेड लॉक लगा के ही मूव करेंगे।
उसके बाद हम लोग डालेंगे इंक अपने टैंक्स के अंदर। तो जब आपको हम शुरू में प्रोवाइड करते हैं 200 ml इंक हर एक कलर की, वाइट, सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। तो आप उसके अंदर हम लोग टैंक्स के अंदर फिलिंग करेंगे अपने इंक की। इस तरीके की आपको इंक की बॉटल हमसे प्रोवाइड होगी, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके की आपको इंक मिलेगी 200 ml ईच। ये ऑब्वियसली अभी 200 ml नहीं है, हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए दिखा रहे हैं आपको, बट आपको एक ब्रांड न्यू 200 ml इंक की बॉटल मिलेगी। सो मैं अब क्या करूंगा, इसके अंदर आपको डाल के दिखाऊंगा कहां कहां पे आपको कौन कौन सी इंक डालनी है। तो जैसे आपको मैंने बताया था वाइट का टैंक हमारा अंदर है, तो इसके अंदर हम ऐसे करके वाइट इंक डाल लेंगे। ये वाइट इंक पेपर सब आपको हमारा ब्रांड का ही मिलेगा, रोको प्रिंट ब्रांड का, ताकि आपको एकदम प्रीमियम रिजल्ट निकल के आए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपको कोई भी पार्ट चाहिए, कोई भी एक्सेसरीज चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए डीटीएफ का, वो सब हमसे प्रोवाइड होता है एट द बेस्ट प्राइजेस। इसके बाद आपका जो ये देखिए वाइट इंक हमने वाइट इंक टैंक के अंदर डाल दी है, उसके बाद हम लोग डालेंगे बाकी सारी इंक। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी टैंक्स के ऊपर मार्किंग बनी होती है, जैसे वाई का मतलब होता है येलो, ब्लैक का मतलब होता है, और के का मतलब होता है ब्लैक, एम का मतलब होता है मजेंटा, सियान का मतलब होता है सियान, और ये डब्ल्यू आप देख रहे हैं, ये सॉरी वेस्ट देख रहे हैं, ये है वेस्टेज टैंक का। तो अब इन सब टैंक्स के अंदर भी हम इंक डाल लेंगे एक एक करके। सो इस तरीके से हम लोग हर एक टैंक के अंदर इंक को डाल लेंगे। ये आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस को इस तरीके से हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इसकी यूएसबी केबल जो आप कनेक्ट करेंगे अपने पीसी से, और यहाँ नीचे ये देखिए ये वाला का एंड लगाना है अपने पीसी के अंदर, ये वाला, और ये आप लगाएंगे अपने प्रिंटर के अंदर। जो रेगुलर आपको एप्सन के प्रिंटर है तो सारा सेम चीज़ रहती हैं। और यहाँ पे हम लोग पावर केबल को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद आप इसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। हम लोग पावर कनेक्ट करके ऑन कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमने इसको प्रिंटर को ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद अब जो हमने रोल लगाया था उसको हम अंदर फीड करेंगे। फीड करने के क्या करेंगे, आप थोड़ा इनिशियल अपने रोल को मैन्युअली आप अंदर पुश करेंगे इस तरीके से, या देख सकते हैं हमने इनिशियली अंदर पुश करा तो आपका रोल ऐसे फ्रंट में आपको विजिबल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको यहाँ पर रोल आपको विजिबल हो जाएगा। अब इसको हम आगे खींच लेंगे मैन्युअली अपने, देखिए जब आप रोल आगे खींचेंगे तो आपको मेक श्योर करना है जो आपका रोल है वो इस तरीके से आगे आए। और जब आप इसके अलाइनमेंट सेट करते हैं तो आप इसको ऐसे लॉक कर लेंगे। यहाँ पे लॉक्स होते हैं तीनों रोलर के, ये आप इनको जब लॉक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, राजीव जी आपको ढंग से दिखाएंगे कैसे करना होता है, ठीक है। ये आप इसको ऐसे अनलॉक कर लेंगे, अगर आपकी अलाइनमेंट आउट जा रही है, ऊपर नीचे हो रही है, कहीं अलाइनमेंट ख़राब हो रही है, तो आप इसको इस तरीके से अनलॉक कर लेंगे, आपके अलाइनमेंट को एडजस्ट कर लेंगे आप, ठीक है। उसका ये बटन दो को दबा के, जो ग्रे कलर के आपको लीवर दिख रहे हैं हर रोलर के साइड में, ये वाले, इनको आप दबा के इसको रोल को प्रेस कर देंगे, जिससे इसकी ग्रिप बन जाएगी और रोलर्स आपके इंस्टॉल हो गए हैं। तो अब आपका रोल इंस्टॉल हो गया है। अब आपको दिखाता हूँ शो स्टॉपर चीज़ें जो हमारे प्रिंटर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये है आपका वो LED डिस्प्ले जो आपको मैंने हमारी पुरानी वीडियोज में भी दिखाया था। ये LED डिस्प्ले के अंदर आपको बेसिक सारे कमांड आपको मिल जाते हैं। सो इनिशियल अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं तो आपको पहला कमांड मिलता है क्लीनिंग का। सो अगर आपको हेड क्लीनिंग करनी है, अगर आपको हेड में कोई ना कोई ब्लॉकेज दिख रही है या आपको लाइंस प्रॉपर नहीं आ रही है नोजल चेक में, तो आप क्लीनिंग यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको करना है नोजल चेक तो आप ये प्रिंट का बटन दबाओगे, आपका प्रिंटर रोलर के ऊपर नोजल चेक दे देगा। अगर आपको करना है आपके हेड को मूव लेफ्ट, अब आपको दिखाता हूँ मैं, ये आप देखेंगे अगर मैं लेफ्ट दबाऊंगा तो हमारा जो हेड है नीचे, ये देखिए आप, ये मैं लेफ्ट दबाऊंगा तो हमारा हेड लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, अगर हम राइट दबाएंगे तो हमारा हेड राइट की तरफ मूव करेगा। सो इस तरीके के कमांड ये आपको कब काम आते हैं, जब आपको हेड की मेंटेनेंस करनी है या आपको लिक्विड डालना है आपके हेड के अंदर। उसके बाद अगर ये दो कमांड आप जो देख रहे हैं राइट और लेफ्ट, ये फीड एंड बैक, सो फीड वाला जब हम कमांड दिखाते हैं तो आपका रोल जो है वो आगे की तरफ पुश होता है, और जब हम इसको बैक दबाते हैं तो आपका रोल जो है पीछे की तरफ पुश होता है। तो ये इसके लिए होता है, अगर आपको अपने रोल को फीड करना है तो आप फ्रंट में दबा के उसको फीड कर लेंगे, और अगर आपको छोटा सा प्रिंट निकालना है, आपने प्रिंट निकाला, उतने हिस्से को आपने यहाँ से गाइडिंग लाइन से कट कर लिया और अपने रोल को वापस खींच लिया, जिससे आपकी वेस्टेज सबसे मिनिमम आती है। तो ये कुछ आपके कमांड थे LED डिस्प्ले के अंदर आपको जो ये मिलते हैं, जो आपको हमारे प्रिंटर को थोड़ा अलग बनाते हैं। अब आपकी इंस्टॉलेशन इनिशियल हो चुकी है,
हमारे इंक हम लोग अपने टैंक्स में डाल चुके हैं, रोल को हम इंस्टॉल कर चुके हैं, प्रिंटर को ऑन कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका इनिशियल इंक फ्लशिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर के ऊपर। सो आपको मैं दिखाता हूं कि आपको जब इंस्टॉल आपका कर लेते हैं, आप लोग हेड में इंक वगैरह डालने के बाद, हेड को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इसको लेके जाते हैं सॉफ्टवेयर में। तो इस तरीके का आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होता है, इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है बेटर प्रिंटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें आपको सारे कमांड्स मिलते हैं जो आपको प्रिंटर को यूज़ करने में मिलते हैं। तो अगर हम आपको लेफ्ट से राइट में जाएं, सबसे पहला कमांड होता है प्रिंट का, जो आप अपने प्रिंटर को जब आप कोई भी प्रिंट करना हो, को कमांड देना हो, तो आप ये प्रिंट ऑप्शन दबाएंगे। उसके बाद आपके जो होते हैं स्टॉप एंड पॉज का, तो जब अगर आपका प्रिंट चल रहा है बीच में आपको स्टॉप करना है उसको, प्रिंट को परमानेंटली डिलीट करना है उस फाइल को कि अब मत कर स्टॉप, और तो आप प्रिंट ना करें तो वही स्टॉप का बटन दबा देंगे। अगर आपको पॉज करना है, आपको एडजस्टमेंट देखनी है, कुछ कलर्स आपको गलत आ रहे हैं और वहीं से दोबारा कंटिन्यू भी करना होगा, तो पॉज का बटन हम दबाएंगे। उसके बाद आपका ये आता है एडजस्टमेंट का, अलाइनमेंट एडजस्टमेंट के लिए अगर आपको देखना है, जैसे आपके डैम्पर्स की एडजस्टमेंट वगैरह आपको देखनी है तो ये उस काम आपको आ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये हेड क्लीनिंग का ऑप्शन है, ये जैसे अगर आपका आप जब प्रिंट करते हैं 2-3 दिन बाद चलाते हैं तो आप इसको एक बार हेड क्लीन जरूर रन करें, ताकि आपके जो टैंक है वो एक बार उसके अंदर से इंक मूव हो जाए, और आपके अगर कोई क्लॉगिंग हो रही थी इंक की या कोई लाइंस क्रैक हो रही थी आपके नोजल चेक के अंदर, वो ठीक हो जाएंगी। तो हम लोग जब ये पहले हेड क्लीनिंग का दबाते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से इंक आपकी मूव करना स्टार्ट करती है और हेड के पास जा रही है। एक बार जब वो हेड के पास पहुंच जाएगी, उसके बाद एक बार हम नोजल चेक कर लेंगे कि आपकी सारी इंक प्रॉपरली इसके अंदर आ गई है, और उसके बाद हम टेस्ट प्रिंट कर लेंगे। जैसे कि अभी आप देखेंगे हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हमारे इंक में हेड लोड हो गई है, हेड में इंक लोड हो गई है, और आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन रेडी है। अब हमें क्या करना है, बस एक बार नोजल चेक करके देखना है कि हमारे इंक प्रॉपर आ रहे हैं, हमारे नोजल प्रॉपर आ रहे हैं, उसके बाद एक बार हम टेस्ट प्रिंट करेंगे एंड देन हमारा प्रिंटर इज रेडी टू गो। सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको फाइल बनानी है, वो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे ये सारी चीज़ें करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और फॉलो करते रहिएगा फॉर मोर सच टिप्स। सो हाँ, एक बार आप यहाँ से प्रिंट चेक, हम लोग नोजल चेक कर लेंगे। ये नोजल चेक आप चाहे तो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, वरना आपके प्रिंटर के ऊपर कमांड है ये प्रिंट का, आप प्रिंट का बटन दबाएंगे और आपका प्रिंटर एक नोजल चेक करके देगा। अब आप देख सकते हैं आपकी सारी लाइंस प्रॉपर आ गई है, इसको हम आगे मूव करके फीड करके आप देख सकते हैं आपके सारे कलर्स एंड वाइट की लाइंस प्रॉपर आ गई है। इसका मतलब हमारा प्रिंट अब रेडी है। अब हम एक बार क्या करेंगे, अपने प्रिंटर की एक बार प्रिंट चेक कर लेंगे, प्रिंट क्वालिटी चेक कर लेंगे। जैसे कि आपने हमारी रील में भी देखा था जो बहुत वायरल हुई है लोगों के बीच में, हम लोग इनिशियल एक नोजल चेक और प्रिंट चेक करके देते हैं। प्रिंट चेक होने के बाद इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी वी विल शिप इट टू यू एंड आपके घर पे ये प्रिंटर पहुंच जाएगा। अगर आप चाहते हैं हमसे इनिशियल इंस्टॉलेशन करा के इनिशियल इंस्टॉलेशन कराना और वैसे शिप कराना, तो हम वो भी करके दे देंगे। अगर आप खुद भी इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो YouTube पे हमारे आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। सो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं कैसे आप इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग डाल चुके हैं। और अगर आपको और भी कोई मदद चाहिए हो तो दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये शुरू हो गया है हमारा प्रिंट चेक, आप देख सकते हैं प्रिंटिंग क्वालिटी, प्रिंटिंग स्पीड हमारे प्रिंटर की और हमारे इस XP 600 की क्वालिटी। सो आप देख सकते हैं ये है आपका प्रिंट की क्वालिटी, ये आपका पहले CMYK की प्रिंटिंग हो रही है और उसके ऊपर वाइट की लाइन आ रही है। सो ये है हमारी प्रिंटिंग स्पीड, प्रिंटिंग क्वालिटी। सो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पेज को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमारे पेज पे हम ऐसी बेहतरीन वीडियो, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड क्वर्की प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे और आपको देते रहेंगे रीसेलिंग करने के लिए। वंस ये हमारा प्रिंट हो जाए कंप्लीट, इसके बाद इसको रीपैक करके कस्टमर को शिप कर देंगे।